निलंगा में फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सीट बचा ली है। बीजेपी उम्मीदवार संभाजी राव दिलीप राव पाटिल निलंगेकर ने जीत दर्ज की है। शुरुआती वोटों की गिनती के राउंड में उन्हें कांग्रेस के उम्मीदवार अशोक राव शिवाजी राव पाटिल से कड़ी टक्कर मिली, लेकिन कुछ राउंड के बाद बीजेपी उम्मीदवार संभाजी राव ने उन्हें पीछे छोड़ दिया और बिलाखिर अपनी जीत को यकीनी बना लिया। आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी उम्मीदवार ने निलंगा में करीब 50% से ज़्यादा वोट हासिल किए हैं। उनकी इस कामयाबी के बाद निलंगा की आवाम ने जश्न मनाया, जबकि पार्टी के सीनियर कारकुनों ने निलंगा की आवाम का शुक्रिया अदा किया। निलंग्याच्या जनतेने सर्वसाधारण एक मोठं मताधिक्य गेल्यावेळेपेक्षा वाढून मताधिक्य भैयासाहेबाला दिल्याबद्दल आणि भैयासाहेब सर्व जिल्ह्याची जबाबदारी असून इथं कमी वेळ देऊन सुद्धा मोठं मताधिक्याने आल्याबद्दल सर्व जनतेचे मनपूर्वक आभार आणि खरं खूप खूप धन्यवाद। एक ऊर्जा भेटते आणि पुढचे 5 वर्ष अजून उत्साहाने अधिक उमेदीने असं अनेक सर्वांगीण निलंगा शिरोणपाल जीवनीचा विकास करण्याच्या दृष्टिकोनातून प्रत्येक पाऊल टाकला जाईल असा विश्वास।